नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं सो बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर दाखिल किया हलफनामा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल करने का दिया था आदेश। हाथरस रेप कांड की जांच में शामिल हुई ईडी की टीम पहुंची मथुरा जेल। पीएफआई के चार संदिग्ध सदस्यों से पूछताछ। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते अब तक 14 लोगों ने जान गंवा दी, इनमें से 9 लोगों की मौत बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर बारिश के पानी के बहाव इतना तेज है कि कारें पानी में तैरती हुई नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में नया ट्विस्ट सामने आया। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की स्टूडेंट अपने आरोपों से मुकर गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश पर मंगलवार एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां पर सुनवाई के दौरान छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई। अब मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,83,52,000 के पास। अब तक 10,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों में हाहाकार, कोरोना की वजह से अब तक गई 2,20,873 मरीजों की जान। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,90,000 के पास। कोरोना के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक सामने आए 51,14,823 मामले, अब भी 4,36,785 केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 13,26,000 के पास। अब तक ठीक हुए 10,31,000 से ज्यादा मरीज। स्पेन में कोरोना से 33,204 मरीजों ने जान गंवा दी, कुल मरीजों की संख्या हुई 9,25,000 के पास। देश में एक दिन में सामने आए 63,520 नए मामले, 24 घंटे में हुई 723 मरीजों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा 73,37,000 के पास। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 187 लोगों की मौत हो गई, कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 40,701। यूपी में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, अब तक सामने आए कोरोना के कुल 4,42,000 से ज्यादा मामले, राज्य में अब भी केस 38,000 एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, 24 घंटे में सामने आए 3,036 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 3,14,224। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, कोरोना से अब तक 3,894 मरीजों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,44,302। प्रदेश में अब तक 1,32,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। 1,081 नए मामले आए सामने, 9 मरीजों की मौत। इलाहाबाद में कोरोना से पहली मौत से जिला प्रशासन के फूले हाथ पांव। 70 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। जिले में अब तक सामने आए कोरोना के 389 मरीज। नूह में पिछले 24 घंटे में 3 नए मामले रिपोर्ट हुए, एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया। जिले में 45 केस एक्टिव हैं, टोटल केस 1,174, 1,106 मरीज हो चुके हैं ठीक। सिरसा में रामलीला के मंचन को लेकर कोरोना नियमावली जारी हो चुकी है, रामलीला में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे शामिल, मास्क और सैनिटाइजर का करना होगा इस्तेमाल। आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से होगी मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन, ओपी धनखड़ से भी वहां पर नड्डा मुलाकात होगी ओपी धनखड़ की। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सांसद अरविंद शर्मा, संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही। इस बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों की खरीद में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए फील्ड का दौरा करें। सीएम ने कहा कि 72 घंटों में किसान को उसकी खरीद की अदायगी हर हालत में हो जाए। मुख्यालय स्तर के अधिकारी सुनिश्चित करें कि धान खरीद के लिए फॉर्म के सृजन, मंडी से वेयरहाउस तक धान की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का चार्ट मंडीवार, किसानवार और आढ़तीवार तैयार किया जाना चाहिए और इस वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इसका अवलोकन कर पाए, किसानों को भी जानकारी मिल सके। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि गृह मंत्रालय के अनुसार हरियाणा में 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 2019 की तुलना में 6% तक क्राइम रेट घटा है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट में 17% की गिरावट रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में बीटा के अधिकारियों की बैठक हुई। बनवारी लाल ने बताया कि बीटा की तरफ से उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी जो कि नवंबर के पहले सप्ताह में बाजार में उपलब्ध होगा। हल्दी वाले दूध से रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बीटा देसी गाय के दूध से तैयार देसी गाय का घी भी उपभोक्ताओं के लिए आगामी जनवरी के पहले सप्ताह तक तैयार कर देगा। मुख्य सचिव ने गोवर्धन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केंद्र सरकार से मदद करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस प्लांट स्थापित करने का काम किया जा रहा है। सामुदायिक बायोगैस प्लांट मॉडल निजी प्लांट की तुलना में ज्यादा सफल है। मंत्रियों और अधिकारियों की तर्ज पर अब विधायकों की गाड़ी की पहचान भी हो सकेगी। हरियाणा सरकार की ओर से विधायकों को एक खास तरह की झंडी दी गई है। विधानसभा और एमएलए लिखी इस झंडी पर विधायक गाड़ी पर लगा सकेंगे। झंडी लगाने से उनके काफिले की पहचान हो पाएगी। कुछ विधायकों की शिकायत थी कि उनके वाहनों पर कोई पहचान न होने की वजह से उनकी गाड़ियों को कई बार टोल बैरियर नाकों पर रोक दिया जाता है, समय की बर्बादी होती है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अर्जुन का रथ अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी जिससे हरियाणा दुनिया भर में जाना जाता है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि वो 15 अक्टूबर को उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है। अभय चौटाला ने मांग की कि कृषि कानूनों पर सत्र बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। पूर्व स्पीकर ने जल्द सत्र बुलाने का आश्वासन दिया था। कानूनों पर चर्चा से बचने के लिए 80 दिन बंद रखा। अब क्या कोरोना खत्म हो गया? जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोखरी गांव में क्लस्टर परियोजना के लिए जमीन का मुआयना किया। इस दौरान विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। विधायक के सुझाव पर विभाग के अधिकारी दो अलग अलग क्लस्टर बनाकर गांव को पानी उपलब्ध कराने की योजना बना रहे। खोखरी में जमीन देखने के बाद अधिकारी अनुमान बनाकर मुख्यालय भेजेंगे। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। मार्केट कमेटी कार्यालय में आरटीओ, राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों, किसानों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि किसानों को जल्द फसल का भुगतान मिलेगा। विधायक सुभाष सुधा के सामने व्यापारियों ने धान की फसल का भुगतान न होने, उठान कार्य से संबंधित वाहन न उपलब्ध कराए जाने, गेट पास न मिलने जैसी समस्याओं को रखा। विधायक ने मौके पर समस्याओं का समाधान किया। विधायक ने फसल का भुगतान करने के लिए मौके पर ही अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत की। कहा कि मुख्यालय की ओर से जल्द ही 9 करोड़ की राशि आढ़तियों के खाते में जमा करवा दी जाएगी, भुगतान भी जल्द होगा। पलवल में मंडियों में एमएसपी पर फसल की खरीद के प्रशासन ने दावे किए लेकिन किसान औने पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर है, किसान परेशान है। किसानों ने बताया कि बाजरा की फसल के लिए जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे उनकी 2150 रुपए और बाकियों की औने पौने दामों पर फसल खरीद हो रही है, किसानों में नाराजगी है। वहीं पलवल के जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में धान, कपास और बाजरे की खरीद का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। डीसी ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खुलवा दिया गया है। किसान अपना फसल का ब्यौरा पोर्टल पर दे सकते हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को फसल खरीद के लिए कूपन दिए जाएंगे। करनाल में किसानों को भारी परेशानियां हो रही हैं। किसानों का ये कहना है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी फसल का भुगतान 72 घंटों में नहीं हो पा रहा।
किसानों की समस्या को लेकर एसडीएम आयुष सिन्हा ने कहा कि पोर्टल में जो परेशानियां थी उन्हें दूर कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की पेमेंट की समस्या का समाधान भी जल्द किया जाएगा। सिरसा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने को लेकर सख्त निर्देश दिए, साथ ही साथ कृषि अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही। पराली को लेकर किसानों का ये कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन पराली की गांठे बनवाने में जो खर्च आ रहा है उसके हिसाब से उन्हें पराली का दाम नहीं मिल रहा। रोक के बाद भी पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, अगर ऐसे वक्त में किसी भी कारण से वातावरण में प्रदूषण फैलता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के आसार हैं। करनाल में कृषि विभाग ने अब तक 233 ऐसी लोकेशन को ट्रेस किया है जहां पर किसानों ने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई है। कृषि विभाग ने 150 किसानों से जुर्माना वसूला, 2 केस भी दर्ज करवाए गए। सिरसा में किसानों के धरने के 8वें दिन बिना खाप ने किसानों को दिया समर्थन। खाप नेता फकीर चंद समर्थकों के साथ पहुंचे धरनास्थल, कृषि कानूनों का किया विरोध। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास से माल रोड तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही की वजह से सड़क निर्माण का कार्य कब शुरू होगा। लोगों का ये कहना है कि सड़क में गड्ढों की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया है। अंबाला शहर के नगर निगम में काम के लिए चक्कर काट रहे लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए, कहा कि यहां लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं होता। लोगों के आरोप हैं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर कभी अपनी सीट पर नहीं बैठते, जब भी वो मिलते हैं तो काम कर देने के बाद कहकर लोगों को टाल देते हैं, लेकिन एक एक महीना बीत जाने पर भी साहब लोगों का काम करने की जहमत नहीं उठाते। सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना की वजह से छात्रों के एडमिशन की समय अवधि बढ़ाई गई है। 9वीं और 11वीं के छात्र 31 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे, 10वीं और 12वीं के छात्र 31 अक्टूबर तक दाखिला ले सकेंगे। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि कोरोना काल के दौरान निजी स्कूल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रदेश स्तर पर मूल्यांकन कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी मूल्यांकन करेगी और निजी स्कूल को इस अवधि के दौरान नुकसान हुआ है या फिर फायदा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार निजी स्कूल के साथ व्यवहार करे, सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। सिरसा में प्रॉपर्टी की बंद पड़ी रजिस्ट्रीज को खुलवाने की मांग को लेकर प्रॉपर्टी डीलर्स ने उपायुक्त से मुलाकात की, कहा कि पिछले 3 महीनों से रजिस्ट्री बंद है, प्रशासन से मांग के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। गाजियाबाद में हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी के साथ मारपीट का मामला है सामने। मारपीट के बाद पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, जांच हुई शुरू। गुहाना में सोनीपत रोड पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में दूध की गाड़ी पलट गई, गनीमत यह रही कि हादसे में वाहन चालक को गंभीर चोटें नहीं आई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आए दिन आवारा पशुओं के कारण कोई ना कोई हादसा होता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी आवारा पशुओं को लेकर गंभीर नहीं। जींद में हांसी रूट पर हादसे में युवक की मौत हो गई। आपको ये बताएं कि युवक डंपर की चपेट में आया था, इसके बाद युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जींद हांसी रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को समझाया। सोनीपत के नहारी गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां पर हथियारबंद 2 बदमाशों ने फायरिंग कर पेट्रोल पंप पर लूट की। बदमाश महज 39 सेकंड में 19,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच पुलिस ने बदवाड़ी डंपिंग स्टेशन के टेंडर को लेकर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी बंधवाड़ी डंपिंग स्टेशन के बाहर डंपिंग स्टेशन के टेंडर को लेकर हुए विवाद में फायरिंग करके वहां से फरार हो गए थे। फायरिंग के दौरान 2 सगे भाइयों को गोली लगी थी।
हिसार के बाल सुधार गृह से फरार हुए 17 बाल बंदियों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बंदी को चौथीवास और दूसरे को तलवंडी से गिरफ्तार किया गया। बाकी बंदियों की तलाश जारी। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ऑब्जर्वेशन होम का दौरा किया। घटना की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऑब्जर्वेशन होम में 17 बाल बंदी फरार हो गए थे। इन बंदियों ने ऑब्जर्वेशन होम के अंदर मौजूद 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। ऑब्जर्वेशन होम के दरवाजों की चाबियां छीन ली। फरार हो गए। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पुलिस टीम पर हमले का मामला आया सामने। आपको ये बताएं कि झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोला। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। हमलावरों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया तो वहीं मौके पर पहुंची पीसीआर वैन पर पथराव हुआ जिससे पीसीआर के शीशे टूट गए। नरवाना में चाची ने 1.5 साल के मासूम भतीजे की गला दबा कर हत्या कर दी। घटना का पता किसी को न चले इसलिए शव को पास के गांव के खेतों में बने कुएं में फेंक दिया गया। आरोपी महिला अपनी जेठानी से रंजिश रखती थी जिसके चलते उसने साजिश कर बच्चे की हत्या कर दी। एसएचओ ने बताया कि बच्चे का शव कुएं से बरामद हुआ। महिला को किया गया गिरफ्तार। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर पर क्राइम ब्रांच ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर सूबे गोचर के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एसीपी क्राइम की माने तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूबे गुर्जर के 2 शूटर्स या फिर इन्फॉर्मर बादशाहपुर से सटे एसपीआर रूट से होकर गुजरेंगे। नाका लगाकर बदमाशों को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम में जेल वार्डन को जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने खेल के मास्टरमाइंड जेल बंदी के भाई को गिरफ्तार कर लिया जिसने जेल में नशा तस्करी के बड़े खेल को बेनकाब कर मामले का खुलासा किया। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी रेवाड़ी में नशा तस्करी के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है। जेल में नशे की खेप को पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा करता आ रहा था। झज्जर के बम्बूलिया गांव में 2 जुड़वा भाइयों के तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में कई फीट बने गहरे गड्ढे ने बच्चों की जान ले ली। दोनों खेल खेल में कुत्ते को बचाने के चक्कर में तालाब में डूब गए। चरखी दादरी के गांव मंदौली में बच्चों की खेलते हुए बॉल को लेकर लड़ाई हो गई। एक पक्ष की ओर से युवक मौके पर पहुंचा। उसने बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का यह कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए यही मांग हम करते हैं। डीएसपी ने परिजनों को आश्वासन भी दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनाल में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। पुरानी सब्जी मंडी में 3 किराने की दुकानों पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोर दुकान से ड्राई फ्रूट के साथ ही साथ राशन का काफी सामान लेकर चले गए। तीनों दुकानों के गल्ले में रखे हजारों रुपए कैश पर भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। पानीपत के लालबत्ती चौक पर 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बिना शटर को तोड़े दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। आराम से चोरी करते हुए शटर नीचे करके गायब हो जाते हैं। जींद में बैंक में 20 लाख की चोरी करने वाला 11 साल का बच्चा देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट से चोरी करता है। ये बच्चा मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है जो कि 1 से 2 लाख रुपए लेकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस ने बच्चे को गिरफ्तार करते हुए हिसार के सुधार गृह में भेज दिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि बच्चा परिजनों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। बच्चे ने भिवानी में बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फरीदाबाद में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवकों पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल न देने पर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस का यह कहना है कि युवक जन्मदिन मना रहा था और इसी दौरान उन्होंने दोस्त से मोबाइल मांगा जिसे देने से उसने इनकार कर दिया। उनके बीच कहासुनी हुई फिर आरोपियों ने इस पर रॉड डंडों से हमला बोल दिया। फतेहाबाद के भूना इलाके में महिला के साथ रेप का मामला है सामने। एक व्यक्ति ने महिला के साथ रेप किया। 2 लोगों ने उसकी मदद की। पुलिस ने 3 के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ मई महीने में दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी।
लुभाना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शराब कारोबारी से बदमाशों ने 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए नहीं देने पर हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने शराब ठेके में आग लगा दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ठेके में आग लगाने के बाद आंवली गांव में सेल्समैन पर फायरिंग भी की। गनीमत यह रही कि सेल्समैन को गोली नहीं लगी। व्यापारी राम मेहर की क्रूरता का शिकार हुए रमलू के परिवार वाले आर्थिक मदद ना मिलने से नाराज होकर लघु सचिवालय के धरने पर बैठ गए हैं। रमलू के समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग भी परिवार के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी ने परिवार के सदस्यों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी के लिए आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया, वापस गांव लौटे। पंचकुला के बरवाला रोड पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, सीआईडी और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने 3.24 किलो नकली पनीर बरामद किया। जानकारी के अनुसार नकली पनीर नरवाना से लाकर पंचकुला में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि आरोपी लग्जरी कार की डिक्की में पनीर लाकर सप्लाई कर रहा था, जिससे किसी को उसके गोरख धंधे की भनक ना पड़े। कभी